अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कुवैत खबर YouTube चैनल पे। तो साथियों, आज की वीडियो में कुवैत से सबसे पहले जो खबर आ रही है दोस्तों, वीडियो क्वेश्चन पे साथियों फोटो देख रहे हो, जिन सभी का फोटो आप देख रहे हो साथियों, वो सभी प्रवासी हैं जो मंगब बिल्डिंग में जब आग लगी थी वो सभी इंजर्ड यानी जो घायल हुए थे दोस्तों, मारे गए। उसके बारे में तो आपको बखूबी अच्छे से पता है, बहुत सारे लोग मारे गए हैं। तो ये उनकी फोटो मैं दिखा रहा हूँ जो वहाँ पे घायल हुए हैं और अभी भी वो हॉस्पिटल्स में बंद है। किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, किसी का कमर टूट गया, कि कोई जल गए, बहुत सारे दोस्तों घटनाएं देखने को मिली है। तो सर्वाइवर ऑफ मंगर फायर प्रेस कुवैती कंपनसेट रिस्पॉन्स दोस्तों, सभी का वहाँ पर जाँच वगैरह जो है, इलाज वगैरह काफ़ी अच्छे से गवर्नमेंट के तरफ से करवाई जा रही है ताकि जल्दी से जल्दी सभी प्रवासी जो है वो ठीक हो सके और काम पे लौट सके। तो साथ ही वहाँ का इलाज के बारे में तो आपको भी अच्छे से पता है दोस्तों, बहुत अच्छा है वहाँ पे इलाज चलता है, तो सभी का इलाज वहाँ पे चल रहा है। अगली जो खबर आ रही बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो कुवैत में ड्राइवरी का काम करते हैं, खासतौर पर बड़ी गाड़ियों का। खबर क्या है? कुवैत परमिट ड्यूअल ड्राइवर रजिस्ट्रेशन फॉर हैवी व्हीकल। दोस्तों पहले होता क्या था कि कुवैत में बड़ी गाड़ी हो या छोटी गाड़ी हो, सिर्फ एक ही ड्राइवर होता था, जिसकी वजह से ड्राइवरों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी, क्योंकि लगातार गाड़ी चलाना जिसकी वजह से काफ़ी उन लोगों को नींद खराब होती थी, एक्सीडेंट होने की भी संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती थी। पर दोस्तों अभी खबर निकल कर ये आ रही है कि कुवैत की तरफ से एक परमिट जारी किया जा रहा है जिसमें दो ड्राइवर का रजिस्ट्रेशन होगा, यानी एक बड़ी गाड़ी चलाने के लिए दो ड्राइवर को अब रखा जाएगा। तो भाइयों, ये अब आपके लिए अच्छी खबर है या बुरी खबर है, खैर मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि ये ड्राइवर भाई लोग ही बताएंगे। तो यदि आप इसमें ऊपरी कमाई आप लोग का होगा तो दोस्तों मान के चलिए कि आपका जो कमाई है वो दो भाग में अब बढ़ जाएगा, पर यदि आपको ऊपरी कमाई नहीं होता था और यदि आपको गाड़ी चलाने में कंटिन्यू दिक्कतें होती थी, तो इससे फिर आपको फ़ायदा होगा क्योंकि आप दो ड्राइवर होगा जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में, साथ ही छोटी गाड़ियों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, जो बड़ी गाड़ियाँ होती जैसे कि लॉरी वगैरह हो गया, 12 चक्का, 10 चक्का या फिर 16 चक्का जो गाड़ियां होती दोस्तों, उसकी गाड़ी में बात कर रहा हूं। अगली जो खबर आ रही है, इंडस्ट्रियल एरिया एक्सपीरियंस प्लांट पावर कट फ्रॉम 2 PM। साथियों कुवैत में बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया है दोस्तों, लाइन के बारे में तो आपको बाखूबी भी पता है, इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी ज़्यादा कुवैत में दिक्कतें हो रही हैं, लाइट वगैरह काफ़ी ज़्यादा जा रही हैं क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो कुवैत में इंडस्ट्रियल एरिया जितना भी है उन सभी जगहों पर 2 बजे के बाद लाइन काटने की दोस्तों एक आशंका बताई गई है कि हो सकता है वहाँ पर 2 बजे के बाद लाइट काटी जाएगी। खबरों को पढ़िए, इंडस्ट्रियल एरिया टू एक्सपीरियंस प्लांट पावर कट फ्रॉम 2 PM, यानी 2 बजे के बाद लाइट को काटी जाएगी। तो इंडस्ट्रियल एरिया भाइयों, आप लोग जो भी रहते हो, थोड़ा आपको दिक्कत वगैरह जो है वो हो सकता है, आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगली जो अपडेट आ रही 2026 कुवैती रिटर्न होम फ्रॉम लेबनान इन फर्स्ट एजुकेशन फ्लाइट। भाइयों, मैंने कल की वीडियो आपको बताया था कि लेबनान में जितने भी लोग रह रहे कुवैती नागरिक, उन सभी को जल्दी से जल्दी अपने मुल्क वापस लौटने के लिए ये मिनिस्टर की तरफ से कहा गया है। अब दोस्तों वहाँ के मसला क्या है बताने लगूँ तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो साथियों, पहला फ्लाइट जो है वो कुवैत आ चुका है, लगभग 226 कुवैती जो है वो रिटर्न हो चुके हैं लेबनान से, जैसा कि खबरों को पढ़ सकते हैं आप हैं। तो वहाँ पर साथियों, जितना भी वहाँ पर कुवैती नागरिक है, सभी को जल्दी से जल्दी वहां पे बुलाया जा रहा है। तो ये कुछ खबरें थी, अपडेट्स थी जो कुवैत से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।